नमस्कार, आज तक रात 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं रतुल जोशी। दिल्ली में बढ़ता कुदरत का दो तरफा खतरा अब सावधान कर रहा है। यमुना नदी एक बार फिर सैलाब की शक्ल अख्तियार कर रही है। हरियाणा लगातार पानी छोड़ रहा है, जिससे यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। ऊपर से राजधानी में पिछले कई घंटों से लगातार भी हो रही है। वैसे तो यमुना भी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन बढ़ता हुआ पानी खतरे की घंटी बजा रहा है। हरियाणा के यमुनानगर का हसनी कुंड बैराज, राजधानी दिल्ली का अमन चैन छीन लेने वाला पानी का अथाह भंडार। हर साल की तरह इस बार भी हसनी कुंड में जमा सैलाब पूरी ताकत के साथ दिल्ली की ओर लगातार बढ़ रहा है। इधर दिल्ली में यमुना नदी अपनी पाव लगातार पसार रही है। पानी तेजी से ऊपर की ओर आ रहा है। हथनी कुंड से हर रोज आ रहे हजारों क्यूसेक पानी की वजह से हालात पिछले साल की तरह होते जा रहे हैं। हर दिन यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। हर दिन डैम से नदी में हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 22 अगस्त को 49,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। हर दिन कम से कम 11,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की यमुना में आ रहा है। हर दिन डैम से आ रहे पानी की वजह से दिल्ली की यमुना में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार एहतियाती तैयारियां पूरी करने में जुटी हुई है। अभी हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। इरिगेशन फ्लड ने अपनी सब तैयारी कर रखी है। जितने हमारे बंद हैं उन सबको भी चेक करके जहां कोई कमजोरी नजर आई वहां पर उसको स्ट्रांग किया गया है, और मोटर बोट्स का इंतजाम ये सब किया गया है। परंतु अभी जो हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से बारिश कम हुई है इस साल दिल्ली में भी और बाहर के इलाके में, तो हम उम्मीद नहीं करते कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये तस्वीरें पिछले साल की हैं, जब यमुना किनारे बसे दिल्ली के निचले इलाके सैलाब में घिर गए थे। सैकड़ों घरों में यमुना की उफनती लहरें घुस गई थी और हजारों लोग सड़कों पर अपना आशियाना बनाए बैठे थे। लेकिन आज के वाटर लेवल से सिर्फ 3 दिनों की राहत महसूस की जा सकती है, क्योंकि एक तरफ हरियाणा में जमा पहाड़ों का पानी तेजी से यमुना में समाता जा रहा है, तो दूसरी तरफ बारिश भी दिल्ली को सारोपार करती जा रही है। जाहिर है पानी की दोतरफा मार दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का खतरनाक मंजर पेश कर सकती है। जो लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है, उससे संभावना जरूर जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में यमुना खतरे के निशान को पार कर सकती है, और इस तरीके से लगातार जो हालत है वो उस पर नजर रखनी भी जरूरी है। तो कुल मिलाकर अभी यमुना का स्तर बेशक चेतावनी के स्तर से नीचे बह रहा हो, लेकिन कुछ आने वाले दिनों में यमुना और दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। तो एक तरफ यमुना में पानी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। वैसे मौसम का ये मिजाज सुकून भले ही दे रहा है, लेकिन आज जरा सी बारिश से दिल्ली की ऐसी दुर्गति हुई कि जो लोग घर से बाहर थे वो इस बारिश को पानी पी पी कर कोसते रहे और दिल्ली के इंतजामों पर लानत देते रहे। ये देखिए दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर, और हर जगह कहानी बस एक ही थी, कहानी थी परेशानी की। प्रहलादपुर में अंडरपास के नीचे इतना पानी था कि गाड़ियां डूबी हुई नजर आई। मंडी हाउस में जाम की हालत ऐसी थी कि जो सड़क पे अटका तो अटका ही रह गया, और यही हाल धौलाकुआ का भी था, जाम और सड़कों पर लबालब भरा पानी। गुड़गांव, शास्त्रीनगर, मोतीबाग, किसी भी इलाके में आप चले जाते आज दिल्ली के, चाहे वो दिल्ली का होता है या फिर नोएडा का या गुड़गांव का, यानी कि एनसीआर तक के इलाके तक में बारिश और जाम ने लोगों के लिए मुसीबत का ऐसा पहाड़ खड़ा किया कि दफ्तर छूटने के बाद लोगों ने जब घर जाने की कोशिश की तो उनको समझ आया कि आज की शाम सड़कों पर ही गुजरेगी, क्योंकि घंटों घंटों लोग जाम में फंसे रह गए। जाम से बचना एक मुसीबत थी, तो सड़कों पर जमा पानी से जूझना उससे भी बड़ी मुसीबत, क्योंकि कई सड़कें ऐसी थी दिल्ली की, ज्यादातर सड़कें ऐसी थी जो लबालब पानी से भर गई।
जगह जगह नाले चौक थे, ड्रेन अटके हुए थे, जिसकी वजह से पानी को निकासी नहीं मिल रही थी और ये सारा पानी बह बहकर सड़कों पर आकर लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा था। इस पानी की वजह से कई गाड़ियां बंद पड़ गई और जहां एक गाड़ी बंद हुई पीछे गाड़ियों की किलोमीटरों लंबी कतार लग गई। कुल मिलाकर जितनी सुहानी और खूबसूरत ये बारिश लग रही थी, जितना मजा ये मौसम दे रहा था, उतनी ही सजा इस ट्रैफिक जाम ने दिल्ली के लोगों को आज दी। क्या कोई यकीन कर सकता है कि देश की राजधानी का एक चेहरा ये भी है? ये दिल्ली का धौला कुआं इलाका है। थोड़ी सी बारिश होते ही यहाँ सड़क पर नदी नाले बह निकले और देखते ही देखते लग गया लंबा जाम। जाम का ये सिलसिला रिंग रोड पर काफी दूर तक गया। धौला कुआं से मोती बाग तक गाड़ियों की कतार लग गई। यह है दक्षिणी दिल्ली का दूसरा छोर, जहां बारिश के पानी से अंडरपास तालाब की शक्ल में तब्दील हो गया। मोटर गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई। साउथ दिल्ली के पॉश इलाके का हाल देखिए। पॉश खास में बरसते पानी के बीच गाड़ियां रेंगती हुई आगे बढ़ रही हैं। सड़क किनारे जमा हुआ बारिश का पानी आने जाने वालों के लिए मुसीबत बन गया है। अब जरा दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस की सूरत भी निहार लीजिए। बारिश ने इस चमक दमक वाले इलाके की शक्ल बिगाड़ कर रख दी। मंडी हाउस से लेकर कनॉट प्लेस तक जाम ही जाम। आश्रम चौक, मथुरा रोड, जखीरा फ्लाईओवर, मूलचंद, डिफेंस कॉलोनी में जबरदस्त जाम ने लोगों को परेशान किया। पहले तो दिल्ली और NCR में लोग बारिश को तरस रहे थे और अब यही बारिश खतरनाक संकेत दे रही है। एक तरफ हरियाणा और हिमाचल का पानी यमुना में हलचल मचा रहा है तो दूसरी तरफ बारिश का पानी खतरे का संदेश लेकर आ रहा है। वो सब प्रिकॉशंस पहले ली जाती हैं, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है इरिगेशन फ्लड और सीवरेज डिपार्टमेंट में, और कई जगह पे जो नाले हैं उनके गेट्स भी जो हैं बंद किए जाते हैं, अगर जो जमुना के अंदर पानी बहुत ज्यादा आता है और बैक फ्लो का की शंका होती है तो उन गेट्स को भी जो है बंद कर दिया जाता है। थोड़ी सी बारिश और दिल्ली NCR में आफत। कहीं ये बादल लंबे वक्त तक बरस गए तो दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव से ही बाढ़ जैसे हालात बनते देर नहीं लगेगी। नोएडा से भूपेंद्र सिंह, दिल्ली से कुमार कुणाल और भरत चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में तो कुछ घंटों की बारिश का ये हाल है, लेकिन राजस्थान में बारिश रिकॉर्ड बना रही है, बल्कि यूं कहिए कि 31 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ रही है। बारिश की वजह से जयपुर के निचले हिस्से में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और राहत के काम के लिए सेना तक को बुलाना पड़ गया है। जयपुर में आसमान से गिरती आफत थमने का नाम नहीं ले रही। कुदरत के निशाने पर है शहर के निचले इलाके। ऐसा कहर ढा रही है मूसलाधार बारिश कि पूरा का पूरा इलाका पानी में डूब गया है। सैकड़ों घर डूबे हैं, हजारों लोग बेघर हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि राहत के लिए सेना की मदद लेनी पड़ रही है। ये किसी दूर दराज का इलाका नहीं बल्कि जयपुर का मुहाना मंडी है। आप देख सकते हैं किस तरह से 3 दिन हो गए बारिश हुए, लेकिन पूरा का पूरा ये जो मदरामपुरा इलाका है पानी में डूबा हुआ है। लोगों के जो घर थे वो पानी में डूबे हुए हैं। 3 दिनों से पानी निकाला जा रहा है। आज तो सेना बुला ली गई है। देखते हैं आप, सेना की जो टुकड़ी है वो सुबह से यहाँ पर पानी निकालने के काम में लगे हुए, कई पंप लगे हुए हैं, लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि यहाँ से निकल नहीं पा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कहर ढा रही है बारिश। चंद घंटों तक आसमान से बूंदें गिरती रहती हैं और फिर पानी पानी हो जाता है
पूरा का पूरा इलाका। पानी शुरू शुरू में जब आया था ये कम से कम घर में 3.5 फुट पानी था, अब थोड़ा थोड़ा कम हुआ है पानी। और रात तो अभी पानी निकालने का काम जारी है लेकिन कोई पानी निकल नहीं पा रहा है। पहले तो टैंकर लगवाए गए थे उनसे कुछ पार नहीं पड़ी और अब ये पाइप पंप लगाए जा रहे हैं। अब 2 दिनों पहले की इन तस्वीरों को देखिए। 5 घंटे की तेज बारिश ने जयपुर में जगह जगह जमकर तबाही मचाई, जगह जगह पानी भर गया, सड़कें डूब गई, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। मूसलाधार बारिश में आगरा हाईवे पर पानी के तेज बहाव में एक मारुति कार सवार दंपति फंस गए थे। एक इंडिका कार को भी बारिश के पानी ने लील लिया। बुधवार को शहर के जवाहर नगर इलाके में कुदरत के कहर ने 2 बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। तेज बारिश की वजह से दीवार ढही जिसकी चपेट में आ गए थे 2 बच्चे। इतना ही नहीं, शहर के स्टैच्यू सर्कल में मौजूद कस्टम दफ्तर बारिश की भारी बूंदों को सह नहीं सका और उसके 8 कमरे भरभरा कर ढह गए। मलबे में गाड़ियां, फाइलें सब दब गई। भारी बारिश के बाद प्रशासन राहत कामों में जुटा, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया लेकिन लोगों की मुश्किलें दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। शरद कुमार, जयपुर आज तक। और जब बारिश आई तो सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरह से हैरत में नजर आया कि ये हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि 30 साल के बाद इस किस्म की बारिश राजस्थान में देखने को मिल रही है। हालांकि बताया ये भी जाता है कि 1980 में 81 में भी ऐसा ही हुआ था, जब राजस्थान में बारिश हुई तो फिर लोगों को बहुत परेशान करके गई, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश पड़ रही है और तमाम इलाके हैं राजस्थान के जहां बारिश का कहर देखा जा सकता है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से अभी भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। सीकर, झुंझुनू और नवलगढ़ में बाढ़ ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया है। टूट रहे हैं सारे रिकॉर्ड। टूट रहा है राजस्थान। अब यकीन करें या ना करें, ये तस्वीरें उसी राजस्थान की है जहां बारिश की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन इस बार कुदरत ने ऐसी करवट ली है कि राजस्थान के कई इलाके डूब रहे हैं। राजस्थान में बारिश लाई आफत। सीकर में इंद्र देवता का सितम। कोटा में उफान पर चंबल। राजस्थान के सीकर में बारिश का कहर लगातार जारी है। कई कस्बों और गांवों में बारिश ने जिंदगी बेहाल कर दी है। सड़कें तो नजर ही नहीं आती, नजर आता है तो सिर्फ पानी ही पानी। घर में घुसा पानी, घुटनों तक पानी ही पानी। भगवान का घर भी डूबा। सड़कों पर फंसी गाड़ियां। लगातार 4 दिनों से हो रही बरसात ने सीकर में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। घर मकान डूबे हैं, लोगों के सामने कई मुश्किलें हैं। क्या करें और कहां रहें? सीकर जिले के रानोली की शोभावती नदी में ऐसा उफान शायद ही किसी ने देखा हो। हमेशा सूखी रहने वाली नदी भारी बारिश के बाद सैलाब बन गई, जिसकी तेज धार में जो भी आया पिंकी की तरह बह गया। अब जो तस्वीर देख रहे हैं वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन की है। नदी की तेज धार में एक पुलिया बह गई और यहाँ जिंदगी के निशान ढूंढने की कोशिश हो रही है। यहाँ पानी के बहाव में बहने से 2 बच्चे और एक किशोर की मौत हो गई। सीकर शहर में पुरानी हवेली ढह जाने से 1.5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। कई गांव कस्बों में बाढ़ आ गई है। बारिश से कई मकान भी गिर गए हैं। लगातार भारी बारिश ने राजस्थान के झुंझुनू को भी रेगिस्तान से झील में तब्दील कर दिया है। झुंझुनू के सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है तो पास के नवलगढ़ का भी बुरा हाल है। नवलगढ़ का 30% इलाका पानी में डूबा है। अकेले नवलगढ़ में 350 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भारी बारिश से करोड़ों का नुकसान हुआ। बाढ़ से परेशान लोगों के लिए सहायता शिविरों का भी इंतजाम करना पड़ा।
चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा तो कोटा बराज से 22,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बराज के 3 गेटों को खोलकर पानी की निकासी की गई। अब तक कोटा बराज से इतना पानी कभी नहीं छोड़ा गया। आसपास के जिलों को पहले ही इसकी सूचना दे दी गई थी। लगातार हो रही भारी बारिश से धौलपुर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। चंबल के गुस्से से बचाने के लिए आसपास के गांव वालों को अलर्ट कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो। उधर उत्तर प्रदेश में भी गंगा उफान पर है। कन्नौज के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बारिश की वजह से कई इलाकों पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। कई जगहों पर हजारों सैलानी फंसे हुए हैं। जम्मू में भी बारिश बहुत कहर बरपा रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। नदियां उफान पर हैं और लोग मुश्किल में। टिहरी बांध का जलस्तर हर रोज 1 मीटर की दर से बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए देवप्रयाग, हरिद्वार और ऋषिकेश के कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। टीएचडीसी को 825 मीटर तक भरने की अनुमति है। इसमें हम मॉनिटरिंग 815 मीटर से हम शुरू कर देंगे, क्योंकि अंत में झील का स्तर काफी तेजी से बढ़ता है। 815 से हम पानी छोड़ना शुरू कर देंगे, ताकि झील का स्तर 825 तक भी धीरे धीरे पहुंचे और क्षति कम से कम हो। उत्तरकाशी में भी हालात खराब है। भूस्खलन की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे पिछले 40 घंटों से बंद है। हजारों सैलानी फंसे हुए हैं, जिन्हें ढेरों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से गुरुवार को एक पुल टूट गया था। पहाड़ों पर हुई बारिश का असर अब उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। एक ओर गंगा अपने उफान पर है, तो दूसरी ओर बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। गंगा के किनारे बसे कई गांव पानी के आगोश में हैं। पानी बंद नहीं रुका, सरकार कोई वाल नहीं करते हैं। कितने गांव का रास्ता बंद है? अब गांव के हमारे कागनपुर के पूरे रास्ता बंद रुका, पानी में जाए आओ। प्रशासन की ओर से राहत की कोशिशें की जा रही हैं। 44 गांवों के लिए बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। हमारी जो बाढ़ चौकियां तहसील क्षेत्र की हैं, उन्हें सक्रिय कर दिया गया है। वहां अधिकारी और कर्मचारी जो भी लगे हुए हैं, उनसे उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और बाढ़ के दौरान जहां भी ऐसी स्थिति होगी, वहां लोगों को हटाया जाएगा और वहां आवश्यक सहायता दी जाएगी। बारिश और फिर बाढ़ ने जम्मू में ऐसा कहर ढाया कि पूरा का पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बाढ़ की दिल दहलाने वाली तस्वीर सांबा की है। नाले में अचानक आई बाढ़ में फंस गई थी बोलेरो कार। इस गाड़ी में 3 लोग सवार थे। पानी बढ़ा तो तीनों लोगों ने कार के शीशे चढ़ा दिए, लेकिन नाले में पानी बढ़ता ही गया। देखते देखते पानी कार के ऊपर तक आ गया। कार के भीतर फंसे तीनों लोगों की आंखों के आगे मौत नाच रही थी, लेकिन तभी पड़ोस के कुछ गांव वालों ने इन्हें देख लिया और एक लंबी रस्सी का इंतजाम किया। रस्सी के सहारे तीनों नदी से बाहर निकाले गए। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। आज का दिन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ साथ केंद्र सरकार के लिए भी बड़ी राहत लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने 2G मामले में पी चिदम्बरम को सह आरोपी बनाए जाने की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चिदम्बरम के खिलाफ कोई सबूत नहीं बनता है। हालांकि कोर्ट में नाकाम रहने के बाद अब विपक्ष संसद में मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। बड़े जंजाल से बच गए वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और यूपीए की सरकार। 2G के इस जंजाल से चिदम्बरम को देश की सबसे बड़ी अदालत ने दी है राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 2G केस में पी चिदम्बरम को सह आरोपी बनाए जाने की याचिका और चिदम्बरम की भूमिका पर सीबीआई जांच की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, दो मंत्रियों के बीच मुलाकात हुई, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई आपराधिक षड्यंत्र का मतलब निकाला जाए। शक चाहे जितना मजबूत हो, वो सबूतों की जगह नहीं ले सकता जिसके आधार पर चिदम्बरम को गलत ठहराया जा सके। ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं जिससे लगे कि चिदम्बरम ने राजा के साथ मिलकर स्पेक्ट्रम के दामों को लेकर साजिश की। प्रथम दृष्टया ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि चिदम्बरम ने अपने पद का दुरुपयोग किया या फिर भ्रष्ट तरीके से खुद को आर्थिक फायदा पहुंचाया।
हालांकि चिदम्बरम को सह आरोपी बनाने की याचिका दायर करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी फैसले से सहमत नहीं। सेक्शन 13 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट डी पार्ट 1 एंड 2 में आती है, पार्ट 3 में कोई षड्यंत्र का सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए ये जजमेंट मेरे प्रार्थना पर नहीं है, मेरे दिए हुए तथ्यों पर नहीं है, इसीलिए मैं इस पर अपील करूंगा। स्वामी अपने दावे पर अड़े हैं कि चिदम्बरम की वजह से देश को बड़ा नुकसान हुआ है। एक डिवीजन बेंच का आरोपों के निशाने पर जब फिर प्रतिद्वंदी पी चिदम्बरम हो तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इतनी आसानी से कैसे हार मान सकते हैं। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में वो पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे और नए दलीलों, नए दस्तावेजों और नए कानूनी दाव पेंचों के साथ वो अपनी बात को मजबूत ढंग से रखेंगे। चिदम्बरम बचे तो सरकार की भी बांछे खिल गई। अब विपक्ष को तय करना उनके लिए क्या झटके के बाद झटका मिल रहा है। हमें पहले से ही मालूम था कि ये जो याचिका दायर की गई थी स्वामी की तरफ से, ये सिर्फ अपने आप को सुब्रमण्यम स्वामी चाहते थे कि वो सुर्खियों में रहे। हमें मालूम था कई दफा सरकार की तरफ से, श्री चिदम्बरम की तरफ से बार बार ये कहा गया था कि कोई सबूत नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है। उधर विपक्ष भी इतनी आसानी से चिदंबरम और सरकार को छोड़ने को राजी नहीं। कोयला घोटाले पर संसद ठप करने वाली बीजेपी अब इस मुद्दे को संसद में उठाएगी। वित्त मंत्री का नाम है काम है देश के खजाने की रखवाली करना। तो 2008 में जबकि फेवरेबल मार्केट कंडीशन थे तो 1658 करोड़, और 2012 में जब अनफेवरेबल है, लाइसेंसेस कैंसिल हो गया है, 14,000 करोड़। तो भारत सरकार को लॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो उनका संवैधानिक दायित्व बनता है कि नहीं, पॉलिटिकल बनता है कि नहीं, संसदीय बनता है कि नहीं, ये विषय संसद के अंदर, संसद के बाहर और जेपीसी तीनों जगह उठाते रहे। बीजेपी के तेवर कड़े हैं, वहीं लेफ्ट से भी राहत नहीं मिलने वाली। सीताराम येचुरी ने कहा कोर्ट ने अपना काम किया, अब संसद में मोर्चा खुलेगा। कोर्ट विल डू द जॉब, द लॉ विल टेक इट्स कोर्स, बट द पार्लियामेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट सो दैट इट्स अकाउंटेबल टू द पीपल थ्रू अस। So that responsibility we are going to exercise. हालांकि सरकार के सहयोगी चिदम्बरम के साथ हैं। चिदम्बरम के खिलाफ जो याचिका लगी जाए तो खारिज हो गई, उसको क्या करें? मौजूदा अधिकारी लगा कर रखा था। धन्यवाद, उसका स्वागत है। वाकई कोयला घोटाले पर फंसी सरकार के लिए ये फैसला इस वक्त संजीवनी के समान आया है। अगर ये फैसला उसके खिलाफ होता तो मुंह छुपाना मुश्किल होता। इस फैसले के बाद इतना तो साफ हो गया है कि 2G स्पेक्ट्रम की नीति में भले ही खोट हो लेकिन चिदम्बरम की नीयत में नहीं। और तो और सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी गई थी कि प्रधानमंत्री और चिदम्बरम चाहते तो ये घोटाला नहीं होता, जिस पर कोर्ट का कहना है कि ऐसा हो भी सकता था और नहीं भी। लेकिन अपने आप में गलत फैसला या फिर खराब मैनेजमेंट आपराधिक षड्यंत्र साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राहत तो दी ही, विपक्ष पर हमले के नए हथियार भी दिए। फैसले के चंद घंटे बाद ही सरकार के तीन वरिष्ठ मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए और अपने तेवर दिखाकर इरादे जाहिर कर दिए। संदीप सोनवलकर, अमिताभ सिन्हा और आंचल आनंद के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। आपने अगर नोएडा एक्सटेंशन में घर बुक कराया है तो आपका टेंशन खत्म। आपके लिए एक अच्छी खबर आ गई है, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने मास्टर प्लान 2021 को मंजूरी दे दी है, लेकिन इस पर आखिरी मोहर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लगेगी क्योंकि वहां ग्रेटर नोएडा की आवासीय योजनाओं से संबंधित मसले लंबित हैं। मास्टर प्लान को मंजूरी मिलने के बाद गाजियाबाद नोएडा फरीदाबाद कॉरिडोर पर बचे हुए 50% काम के लिए निर्माण कार्य तेज हो जाएगा। फिलहाल बोर्ड के फैसले पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अपनी औपचारिकता पूरी करेगी, यानी अपनी सिफारिशों के साथ इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजेगी।